मात्र कोलार की लाइन शुरू हुई है, अभी एक से डेढ़ महीना हुआ नहीं है और आप हालत देख सकते हैं। इसको भी बनाया था टाटा द्वारा, इसको निर्मित किया गया था, नई लाइन बनाने कर ये कहा गया था कि अब भोपाल वासियों को कोलार के पानी को लेकर किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कोलार की लाइन फूटी है, इसको लेकर कईयों बार शिकायत की जा चुकी है नगर निगम या नगर निगम के बड़े अधिकारियों को, इसको सूचित किया जाए, लेकिन कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओके, यहाँ पे गाड़ियाँ मतलब खाने पीने का सब सामान बाहर आ गया है। ये कहा जा सकता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं जो उस प्रकार की होनी चाहिए थी, घर वाले जो थे सारे कागज वगैरह उनके बेकार हो गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भल्लावी है और हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी, 4 से 5 बार हर घर ने एक एक बार कंप्लेंट, मतलब 4-5 बार 10-10 बार कंप्लेंट करी है, पर इन लोगों का कोई वो नहीं होता। लेकिन इन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। आज बोले, हमने बोला आप उसको जब आप सब शट डाउन जब करोगे तब आप इसकी पाइप जो पानी बह रहा है हमारे घर में बैठ रहा है 1 महीने से 1.5 महीने से, तो आप कम से कम इसको पानी को व्यवस्थित कर दो। तो पानी को व्यवस्थित करने के लिए सुबह 9 बजे से उनकी गाड़ी आ रही है, JCB आ रही है, लेबर आ रहे, कोई नहीं आया। जब अचानक पाइपलाइन टूट गई, जब ये इन लोगों ने ऐसा किया और पूरा घर में अंदर पानी घुस गया, पूरा सामान खराब हो गया है, खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। और कोई नगर निगम वाले भी नहीं आ रहा है, ना PHE वाले आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। जब इसका इतना सीपेज चल रहा है, फूटा फटी नाली इधर सही करें, इसको क्यों परेशान करें पब्लिक को? भैया, तो हम तो कर्मचारी लोग हैं, अभी कुछ करेंगे तो हमारे कार्रवाई चालू हो जाएगी। इसलिए हम शासन नियम चाहते हैं, आदेश चाहते हैं, कार्रवाई हो जाए पूरी। हमारी घुटने तक पानी आ गया है, लोगों के सामान यहाँ पे तैर रहे हैं, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे खत्म हो गई है लोगों को। अब यहाँ तक ये देखा जाए तो नगर निगम का अभी तक 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन 2 घंटे बाद भी यहाँ कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है कि अगर ये समय पर कार्रवाई की जा सकती थी तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बचाया जा सकता था और पानी से इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। अधिकारियों की लापरवाही के लिए जाए तो इसमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। और आज भी अगर देखा जाए तो पूरे कोलार जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें अच्छी खासी नाराजगी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उनका यही कहना है कि अगर सरकार और कर्मचारी हमारी समय पे सुन लेते तो आज हमारी गृहस्थी खराब नहीं होती। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदेवे, भोपाल।